नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर चंदौली से है, जहां डीडीयू नगर सीओ अनिरुद्ध के खिलाफ एसपी से शिकायत की गई है। पीड़ित ने शिकायती पत्र एसपी को सौंपते हुए जानकारी दी कि 4 मई को निकाय चुनाव के दौरान सीओ ने उसे थप्पड़ मारा था। इसी के साथ सीओ की दबंगई की वजह से उसे वोट तक नहीं डालने दिया गया था। इस पूरे मामले में वीडियो वायरल को आधार बनाकर पीड़ित ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बता दें कि डीडीयू नगर पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित, जब कार्रवाई की मांग करने को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया है। इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। गर्मी से परेशान अलीगढ़ के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 दिन से खराब पड़े ट्रांसफार्मर के ना बदलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए गुस्साए लोगों ने सड़क तक को जाम कर दिया है। गांधी पार्क थाने के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाए। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीकरी इलाके में एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया और आसपास के लोगों की सूचना पुलिस ने दी है। वही पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वही मामले में डीसीपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी और अगर वो भी दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी लड़ा वो क्या दारू पी के रोज मारता था, बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता ना चला, कब कब कुएं में डाल दिए। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को ऐसे 1.5 साल हो गए। तो ये ना कुछ या ससुर ने सास ने वो बना रहा है कमरे, उनके पास यहाँ रहता था। अच्छा, तो मैं कब सूचना मिली? हम मुझे तो सूचना, मैं तो दवाई लेने गया था होटल, तो इसकी वो है क्या नाम है हमारी वो है ना सारे है। उसने कहा कोई कांड कर दिया भगत ने, नोलमोह तो पता ना है, बोलो फिर कोई पता होगी। बच्चों के पिता का नाम भगत है, भगत सिंह। अच्छा, क्या कोई और कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी के साथ कुछ बातचीत? ना जी, हमें नहीं। तो मुझे पता पड़ी कि वो हमारे भाई के बराबर में घर है एक, तो वहाँ से वो उसकी मम्मी सीढ़ी लेकर रही थी, तो वहाँ से सीढ़ी लेकर भाग गया। मैं वहाँ से सीढ़ी लेके गया हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने अंदर कुएं में गिरी वो, तो फिर सब देख रहे थे। मैंने हमारी जो चाची हैं तो उन्होंने कही नसीम तुम कूद जाओ, कोई नहीं कूद रहा था। तो फिर मैं जाकर मैं कूदा वहाँ पर, जब मैंने बच्चे लेकर आया, फिर एक भाई और आया था, मैं वहाँ से डीलर था वो, फिर वो भाई आया था, फिर उसने हमारी मदद करी, फिर वो भी कूदा था। जो बच्चे थे उनके साथ कौन कूदा था? उनके पिताजी थे। पिताजी लेके कूदे थे। क्या उसमें पानी कम था? पानी मैं डूब जाऊंगा इतना था। ये आज हमारे को सिकरी चौकी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर हमारा चौकी इंचार्ज वहाँ पे मौके पे पहुँचा था और SHO भी मौके पे गया, मैं भी पहुँचा हूँ मौके पे। तो वहाँ पे एक ये पलवल से पीछे रहने वाला इंसान है, मरोली गांव से, तो ये यहाँ पर फरीदाबाद में रहता था। इसकी दो शादी, एक शादी पहले हुई थी जो बीवी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली बीवी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का एक 5 साल का। तो ये हर रोज़ जो न इस बात को लेके कड़े होती थी कि भाई ये दूसरी औरत के बच्चे हैं, तो इसको इस कड़ाई की वजह से जो ना उसने आज इनको सुबह सुबह वहाँ ले जाके एक कुआ था, कुएं के अंदर 6-7 फीट पानी था और दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और वहाँ उनके ऊपर खड़ा होके उनकी आज हत्या कर दी। हमारे सहयोगी मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, फरीदाबाद में एक पिता की हैवानियत की खबर लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ था ये पूरा मामला जो पिता इतना हैवान बन गया? बता दें, फरीदाबाद के सीकरी गांव की ये घटना है, जहां एक पिता ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को लेकर कुएं में छलांग लगा दी और कुएं में छलांग लगाने के बाद हल्ला मचाने लग गया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जहां युवक को तो सुरक्षित बचा लिया गया है, जो 2 बच्चे हैं वो गहरे पानी के चक्कर में डूब गए हैं, जिसके चलते दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। पर फिलहाल जो मामला जो निकल के सामने आ रहा था वो ये मामला सामने आ रहा है कि
कि ये जो इन, इन जो बच्चे लेके कूदा है, ये युवक दूसरी शादी कर रखी थी, जो इनकी जो दूसरी जो औरत थी वो कहीं ना कहीं झगड़ा कर रही थी, जिसको लेकर ये बच्चों को लेकर कुएं में इसने छलांग लगाई है। जी मनोज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर फतेहपुर से है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के मनेपुर पतेउरा गांव में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर ग्राम प्रधान सहित कई लोगों का जमावड़ा लग गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर चांदपुर थाना इंचार्ज शेर सिंह और अमौली चौकी इंचार्ज संदीप तिवारी मौके पर पहुंचे। कंकाल के पास से आधार कार्ड मिलने से पुलिस को शिनाख्त करने में आसानी हो गई। पता चला कि एक महिला का कंकाल है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले कि एक कंकाल के मिलने से हड़कंप मच गया है, और ये कंकाल जो है वो महिला का बताया गया है, जिसके बाद महिला के परिजनों को पुलिस ने बुलाया है और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। जबकि महिला के परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये पूरी वारदात हत्या है। खबर गाजियाबाद से है, जहां वेव सिटी थाना क्षेत्र में लाठी डंडे लेकर खुले मैदान में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरअसल डासना इलाके के पैट बाजार में एक महिला कपड़े खरीदने आई थी, और खरीदारी के समय महिला के साथ युवकों ने दुकानदार से बदतमीजी की है, और कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे भी चलने लगे, और इस मारपीट का वीडियो भी अब खूब वायरल हो रहा है। अब खबर औरैया से है, जहां सदर इलाके में दबंगों के बीच पुलिस का कोई खौफ तक नहीं दिखाई दिया। लगातार दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दो दबंगों के बीच जमकर मारपीट हुई। अब मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने दोनों की पहचान करते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सोशल मीडिया में दो युवकों के बीच में मारपीट के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में जांच की गई, जिसमें पाया गया कि यह वीडियो थाना कोतवाली औरैया के संजय गेट के पास का है, जिसमें दो युवक आपस में लड़ रहे हैं। अभी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है, पहचान के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र में मवैया गंगा घाट पर बीते दिनों स्नान करने गया युवक डूब गया था। बता दें कि 14 दिनों के बाद युवक का शव लाक्षाग्रह गंगा घाट से बरामद हुआ है, और ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस और मृतक के परिवार वाले मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंदलाल हमारे साथ जुड़े हैं। नंदलाल, 14 दिन बाद डूबे हुए युवक का आखिरकार शव बरामद किया है, और इस युवक के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए मुस्कान, ये जो बॉडी मिली है ये 14 दिन के बाद, जो कि ऋषभ मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा, जिनका उम्र 18 वर्ष बताया गया था, अपने दोस्तों के साथ ये गंगा घाट पर स्नान करने गए थे, और उस समय जब देखा जाए तो एनडीआरएफ की टीम लगातार 3 दिन तक वहां पर खूब खोजबीन की, और यहां तक कि भदोही जनपद के बॉर्डर पर जो कैनाल बनाया गया है वहां भी टीम ने जांच पड़ताल किया था। वहीं पर परिजन दम मायूस हो गए थे, जो कि देखा जाए तो जिस दिन बॉडी गंगा जी में समाहित हुई थी, लापता हुआ था ऋषभ मिश्रा, उसके 14 दिन बाद ऑटो मतलब खुद बॉडी खुद, क्योंकि पानी में ही बॉडी फंसी हुई थी कहीं न कहीं, और आज सुबह जो वहां पर बॉडी जलाने का काम करते हैं, जो लाश जलाने का काम करते हैं, उन्होंने देखा तो उसकी सूचना तत्काल हंडिया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दुबे को दिया। धर्मेंद्र दुबे महफोर्स के साथ वहां पहुंच करके जो ऋषभ मिश्रा का परिवार था उनको बुलाया गया, तो उन्होंने बॉडी की पहचान किया, और वहीं पर जो विधिक कार्रवाई होती है उसको करने के बाद परिजनों को बॉडी सौंप दिया गया। वहीं पर परिजनों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने पूरी तरह अपनी मुस्तैदी से काम किया था, लेकिन शायद है कि उनके नसीब में जो भी होना था हुआ है, और इस बात इसलिए इसमें देखा जाए तो कहीं न कहीं परिवार में बहुत लोगों के अंदर मायूसी थी, क्योंकि जो बॉडी का कंडीशन था
आपको देखने के लायक लगातार ये तो कहा जा रहा है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो युवक है ये अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तो क्या परिजन ये कोई घटना मान रहे हैं या फिर हत्या की आशंका जता रहे हैं? परिजन का ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि जिस समय ये ऋषभ मिश्रा गंगा जी डूब रहा था उसके तीन दोस्त और थे, वो लोग बाहर निकल आए थे, वहाँ पर एक बच्चा था जो बचाया था, इसलिए सबको ये जानकारी थी कि उनका न कोई अपहरण हुआ है न कोई मर्डर हुआ है, ये सबको स्पष्ट था कि ऋषभ मिश्रा गंगा जी में ही डूब गया था, इसलिए लोग ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। यहाँ तक कि परिजनों ने पुलिस को लेकर के सराहना किया कि पुलिस ने तीन तीन दिन तक अगर बॉडी को ढूंढा है तो कहीं न कहीं ये सबका सहयोग रहा है। आज बॉडी मिलने के बाद परिजनों में फिर वही 14 दिन पहले जो एक लोगों के अंदर मायूसी थी, आज देखा जाए तो लोगों अंदर बड़ी ज्यादा मायूसी थी और हजारों की संख्या में सब बिल्कुल यानी कि नंदलाल माना जाए कि जिस तरीके से पुलिस ने काम किया लोग अब उसकी सराहना कर रहे हैं, फिलहाल परिजनों में जो मायूसी छाई हुई है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नंदलाल। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और भीषण आग लगने की वजह से कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। इसी बीच स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा हादसा होने से टल गया है। अब खबर अलीगढ़ से है जहां साइबर क्राइम थाना टीम ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया है। जी हां, विश्व भारती पब्लिक स्कूल में जाकर टीम ने लोगों ने स्कूली बच्चों और स्टाफ के साथ जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही साइबर फ्रॉड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी दी गई है। इस मौके पर साइबर थाना सीओ के साथ साथ पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। वही स्कूल के प्रिंसिपल सुनीता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में साइबर टीम की ओर से जो भी बातें बताई गई हैं और ऐसी बातों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन साइबर फ्रॉड की डीप नॉलेज बच्चों को आज मिली है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय साइबर अपराध जो भी सामने आ रहे हैं उसके संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा के दिशा निर्देशन में हम लोग निरंतर जागरूकता अभियान कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अनावश्यक किसी के बहकावे में झांसे में ना आएं और मोबाइल का उपयोग करते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, अनावश्यक चीज़ें ना देखें ना अनावश्यक चीज़ों में जाएं। आज इतनी डीप नॉलेज बच्चों को मिली है। अब बच्चे क्योंकि ये बहुत छोटे नहीं हैं और आजकल का जो समय है सब बच्चे फ़ोन से किसी न किसी वे में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ है और एजुकेशन में भी मोबाइल का फ़ोन यूज़ होने लगा है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों के आज बारे में बताया है जिससे पेरेंट्स भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स है किसी ना किसी तरह, आप कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं किसी का अकाउंट हैक हो गया है या पैसे बैंक से निकल गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से बच्चों ने जानकारी ली है और मेरे ख्याल से वो इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स में अपने रिलेटिव में चारों तरफ उसको फैलाएंगे और इससे समाज का काफ़ी अधिक भला होने की। खबर आगरा से है जहां थाना मलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में छात्रों ने 5 से ज्यादा चोरी की वारदातों को कबूल किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से भारी तादाद में गेहूं की बोरियां, नकदी, तमंचा और एक कार को भी बरामद किया है। चोरी की घटनाएं अभी कुछ टाइम में बढ़ी थी, इस क्रम में टीमें लगाई गई थी और चोरों का एक अंतर्राज्यीय गैंग है उसको हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें ये घटना इन्होंने 11/5 को एक घटना की थी यहाँ पे, जहाँ पे ग्राम मनकेड़ा में इन्होंने गेहूं के लगभग 70-80 कट्टे चुराए थे। उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। 3 लोग हैं इसमें, बंटी ठाकुर हैं पुत्र राज बहादुर, राजकुमार पुत्र भगवान सिंह, रोहताश उर्फ देवेंद्र उर्फ टोटा। इन लोगों से जो बरामद किया है, 10,000 रुपये बरामद किए गए, 8 कट्टे गेहूँ, 1 कार, 1 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बारापुर बरामद किया गया है। चोरी की कई घटनाओं का खुलासा इसमें हो रहा है। उन्नाव में वट सावित्री की पूजा में सुहागिन महिलाओं ने 108 बरगद के पौधे लगाए हैं। अलग अलग स्थानों में पौधे लगाने के बाद महिलाओं ने
पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। हिंदू जागरण मंच की देखरेख में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया, इसी के साथ महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है। तो वट सावित्री के मौके पर आज उन्नाव की महिलाओं ने 100 पेड़ लगाते हुए देश को यह भी संदेश दिया है कि पेड़ लगाना वातावरण के लिए फिलहाल बहुत जरूरी है। तो वहीं शाहजहांपुर में विवाहित महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की है। इस व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और नगर के विभिन्न मंदिर परिसर में सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा भी की है। उन्होंने पूजा पाठ कर पेड़ की परिक्रमा की। वहीं महिलाओं ने निर्जला व्रत रख कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया है। इस पूजा को लेकर महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा उस जोर शोर से बहुत ज़्यादा उत्सव रहता है और सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा करती हैं, महावर लगाती, मेहंदी लगाती हैं और हम सभी लोग खूब अच्छे से तैयार होकर यहाँ पूजा करने आते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये सुहाग की पूजा होती है, बट सावित्री पूजा जो होती है, सावित्री ने पूजा की थी तो उसी वजह से सुहाग के लिए पूजा होती है, पति की दीर्घायु बढ़े जिससे कि लंबी आयु हो और सारे लोग मिलके पूजा करते हैं और बहुत सद्भाव से बड़े भावना से बड़े प्यार से सब लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं और वट सावित्री के नाम से ये जाना जाता है और आज अमावस्या का दिन होता है इसीलिए वट सावित्री की पूजा हम लोग करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।